बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। तो हम पहुँचे हैं शोरमा एक्सप्रेस, और शोरमा एक्सप्रेस इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमारे साथ हैं टंटना एंड शिवान, जो कि बहुत टाइम बाद आज दर्शन दे रहे हैं चैनल पे, और ईद का चांद हो गए थे ये। हमें शोरमा एक्सप्रेस से इनवाइट भी आया था कि एक बार उनके जो शोरमा एक्सप्रेस है हम वहाँ पर विज़िट करें, और साथ ही साथ पार्टी की भी डिमांड थी, तो उन सबको कोलैब करके हम पहुँच गए हैं यहाँ पर यहाँ का शोरमा एक्सप्रेस खिलाने। और ये सिर्फ स्पेशल पार्टी मेल है, बाकी के जो छिक्कल विक्कल आते साथ मनी कहते नहीं गए तो वो सब के लिए नहीं है, वो सब यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। और वो वीडियो देख के कृपया ना जले। अलाउड नहीं है कि वो आए नहीं? हाँ, उनको पता है मैं आया हूँ, तो मेरा थोड़ा डर है उनके अंदर। देखते हैं अभी मनिकेत कम बैक करेगा अगली वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब खुशबू से ही पता चल रहा है कितना लजीज होगा शोरमा रोल। मैं तो खा नहीं सकती हूँ, लेकिन हम ऑर्डर देंगे शिवान के लिए, तो चलते हैं। भैया एक चिकन शोरमा रोल और एक बर्गर। ऑर्डर दे दिया है, जब तक ऑर्डर तैयार होता है तब तक हम बात करते हैं यहाँ के ओनर राजेश जी के साथ। हेलो। हेलो मैम। भैया आपसे मेरे कुछ सवाल है। जी बताइए। सबसे पहले ये शोरमा एक्सप्रेस का आइडिया कैसे आया? मैम ये मैंने 3 साल पहले स्टार्ट करा था। यहाँ पर हल्द्वानी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अच्छी क्वालिटी का शोरमा दे पाए, तो मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छा सा अच्छा एक रोल यहाँ तैयार करके देना है ग्राहकों को, और उन 3 साल से उनके उसमें लगा हुआ हूँ मैं आज भी। तो यहाँ पे किस प्राइस रेंज में मिलता है और क्या क्या है मेन्यू में? मैम मेरे वहाँ चिकन रोल, चिकन बर्गर, पनीर रोल, पनीर बर्गर, जिसका रीजनेबल प्राइस 50 रुपीज़ है। ये 4 आइटम है, क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज बेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन तवा एक है जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आगे मैं नए काउंटर जब स्टार्ट करूँगा सेकेंड ब्रांच इसकी, तो उसमें वेज और नॉन वेज का बिल्कुल अलग अलग। और टाइमिंग्स क्या है यहाँ की, कब शुरू होता है और कब? मैम ये 4 o'clock चालू जाता है, 10 o'clock लास्ट टाइमिंग है। ओके, और ऑफ कोई डेज रहते हैं? ट्यूसडे को ऑफ रहता है। खुशबू बहुत ज़ोरदार आ रही है यहाँ से, और इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ कुछ अगर वेज होता तो ट्राई करते। हमारी कुछ बातें हो चुकी है राजेश जी के साथ, तब तक हमारा शोरमा रोल जो है तैयार हो चुका है, तो अब ऑर्डर लेते हैं और ट्राई करवाते हैं शिवान को। आओ ट्राई करते हैं मिलके, बाकी सबकी तो किस्मत में है नहीं, मेरी किस्मत तो मैं ट्राई करूंगा से। आओ। बिल्कुल राजा महाराजा होगी, तो तुम्हारे पीछे पीछे माइक लेके आ रही हूँ मैं। अब क्या करें, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, हम लोग खाते हैं ना। अपने ऑर्डर का ही पता नहीं है कि चिकन है मटन है, क्या है कहाँ है, आ गए बस खाने। बहुत दिन से नॉन वेज नहीं खाया ना, इतने टाइम बाद खा रहा हूँ। ऑर्डर तो दिया ना अभी। मेरे को नहीं पता, मेरे इतने टाइम बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ नॉनवेज, तो मैं भूल चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है चिकन है मटन है, पता नहीं। अच्छा है, मतलब मज़ा आ गया। नहीं अब बताओ इसका टेस्ट डिफाइन करो। अरे मैं कैसे करूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, स्पाइसी हो रहा है, नॉर्मल है, स्पाइसी नहीं है। दोबारा से हम शॉट ले रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट को डिफाइन नहीं कर पा रहा था, तो बताओ। अच्छा हो रहा है, तभी तो मेरा सारा फोकस खाने पे है। अच्छा क्या होता है यार, कुछ खाने के बाद बता सकता हूँ ना कैसा हो रहा था, पेट में चला जाएगा थोड़ा, मेरा पेट भर जाएगा थोड़ा, मतलब तब मैं बता पाऊंगा। नहीं हुआ यार ये, बताओ। चलो ठीक है, ये सॉफ्ट हो रहा है बाहर का क्रस्ट जो है रोल है। हाँ बाहर का क्रस्ट जो है बहुत सॉफ्ट है, और इसकी फीलिंग कैसी है? बहुत अच्छी है, एक अच्छा एक और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा और डिफरेंट। इसके टेस्ट ऐसे बताते हैं, टेस्ट कैसे बताऊं, मोमोज की तरह लग रहा है। इसकी बेइज्जती हो जाएगी, मोमो क्या कह रहा है? नहीं पता उसे, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, हटके हो रहा है, यही बता। हम तो खा नहीं सकते, तो हम राजेश भैया से ही पूछते हैं कि कैसा टेस्ट है, क्या है, तरह के लोग जो क्या क्या पसंद करते हैं आ सकते हैं यहाँ पर। जैसे कोई कम स्पाइसी चिकन रोल जो खाता है, ये सबसे डिफरेंट है और सबसे हटके है। यहाँ पर आप आइए और एक बार टेस्ट करिए, आप कभी ये नहीं कहोगे कि मुझे कहीं और जाना है, आप सीधे यहीं आओगे।
इसमें जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हो स्पाइसेस और जिस भी चीज़ों से बनता है, जैसे चिकन है और मटन भी है या सिर्फ चिकन? ओनली चिकन। तो ये कैसा है, फ्रेश रहता है, फ्रोजन, मतलब कैसे रॉ मटेरियल आप रखते हो? ये फ्रेश होता है एकदम, बिल्कुल खुद से अपने सामने सब कुछ करवा के अपने सामने ही लेके आता हूँ, ये नहीं कि मुझे कहीं और रेडी करना है। तो जैसा कि आपको पता चला यहाँ पे कि सब कुछ आपको फ्रेश मिलेगा और स्पाइसेस भी आपकी कहीं से आप लेते हैं या आप खुद तैयार करते हैं? खाली कच्चा माल हम खरीदते हैं और सारा बिल्कुल हम सब कुछ अपने घर पे रेडी कर रहे हैं, सब कुछ सामने अपने। तो सबसे जो अच्छी चीज़ की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जब सब कुछ खुद अपने सामने वो बना रहे हैं, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे, प्राइसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी रीजनेबल हैं। तो भैया यहाँ का एड्रेस आप बताना चाहेंगे? नियर हैप्पीनेस ठंडी सड़क हल्द्वानी। अब हम खा तो सकते हैं नहीं बिल्कुल, बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस, लेकिन खुशबू बहुत इतनी अच्छी आ रही कि उसी से पता चल रहा है कि इतना लजीज होगा। तो आ रहा है चिकन बर्गर। चिकन बर्गर भी आ चुका है शिवान के लिए, और पहले वाले को आप देख लीजिए, वो ऐसे साइड में उसने रखा हुआ है, तो ज़्यादा ही मिल गया उसको। कुछ नया ट्राई करेंगे, स्कूल में किसी और ने दिल लूटा था और यहाँ आज क्या बताओ, चिकन बर्गर और शोरमा रोल ने दिल लूट लिया है यार। ओवर एक्टिंग के पैसे काटने पड़ेंगे लग रहा है। बजा रहा है, मैं वापिस जा रहा लग रहा हूँ। पहली बाइट ले ली है शिवान ने चिकन बर्गर की, तो बताएंगे आप कैसा लग रहा है आपको? मैं क्या बताऊँगा राजेश, मैंने सब बता ही दिया मुझे, मैं तभी सोच रहा था कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि घर के स्पाइसीज और इंग्रेडिएंट है ना, तो उनका सीक्रेट है, तो उनका सीक्रेट मैं कैसे समझ सकता हूँ, तो उन्हीं को पता होगा ना। लेकिन बहुत बिंदास, बोले तो बिंदास, झक्कास। अच्छा हुआ मनिकेत नहीं आया, वरना थोड़ा कम पड़ जाता। मनिकेत को मिस कर रहे हो तुम लगता है मुझे? बिल्कुल नहीं, देख भी, अगर मनिकेत मेरे को देख रहा था, मैं तेरे को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हूँ, और कोई भी जरूरत नहीं तेरे को आने की। तो अब मैं जाती हूँ, हेड शेफ है उनके पास, तो आप सबसे पहले बताइए आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। ये पूरा यहाँ पे एक बना रखा है, एक पूरा पाइल जैसा, तो ये कैसे बनाते हो आप इसको? ये जैसे कि चिकन होता है, उसका बोनलेस चिकन करते पहले, बोनलेस करके उसको 2 घंटा मसाला में रेडीमेड करके, फिर उसके बाद सीख में लगाने के बाद मशीन में डाल देते हैं, कच्चा चिकन होता है। तो फिर ये कितने में मतलब ख़त्म होता है ये आजकल? अभी तो 7 किलो चिकन लगा रहे हैं। कितने बजे के बाद बिल्कुल मिलता ही नहीं है फिर? टाइम का कोई पता नहीं, 8:30 बजे भी कभी ख़त्म हो जाते हैं। का जो रोल आता है, वो रोल रोटी बनाते हैं, सॉफ्ट रोटी घर में ही बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं जो कि इंजॉय कर रहे हैं कुछ खाना, तो उनसे पूछती हूँ कि उन्हें कैसा लगता है और कब से आ रहे हैं। तो हेलो। हेलो मैम, आप लोग का नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय। आपका? सुंदर। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैम सेकंड टाइम आया हूँ, पहली बार जब आया था, इससे पहले बहुत अच्छा लगा था खाके, तो अभी यार दोस्त को लेके भी आया है यहाँ पे। और क्या क्या खाते हैं आप यहाँ पे? बर्गर ही खाया अभी तक, तो और चीज़ें अभी टेस्ट नहीं की हैं। तो आपको इसमें क्या पसंद आया टेस्ट? मैम चीज़ अच्छी मिल जाती है, और जगह बहुत जगह खा के देखा है, वहाँ से बहुत बेटर है यहाँ पे टेस्ट। संजय और सुंदर से हमने बात करी, तो ये था कस्टमर फीडबैक, जो कि उनको पहली बार पसंद आया, तो वो दूसरी बार भी आए हुए हैं। तो इसी तरह आप लोग भी आएँ और इन्जॉय करें यहाँ का शोरमा एक्सप्रेस का चिकन रोल और चिकन बर्गर। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।